बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बेहद मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अज़ीज़ बच्चों, हमारा ये वाहिद जमा का लेक्चर ज़रा थोड़ा सा तवील हो रहा है। मैं समझता हूँ कि ये लफ्ज़ बहुत ज़्यादा अहम हैं, ये ज़्यादा अहम हैं और आपकी ज़रूरत के मुताबिक हैं, तो इसलिए हम इस लेक्चर को कुछ ज़रा ज़्यादा तवालत दे दी है। मैं इसके लिए माजरत खाह हूँ, क्योंकि इम्तहान के अंदर जो है ये अलिफ से लेकर ये तक वाहिद जमा कोई भी वो दे सकते हैं। तो इस तरीके से आज हम वाहिद जमा की फे से शुरू करेंगे और काफ तक चले जाएंगे। तो ये हम आज का लेक्चर शुरू कर रहे हैं। इंशाल्लाह आप लोगों के लिए ये मुफीद साबित होगा और आप लोगों की बेहतरीन राय हमारे लिए रहनुमा होगी। आप अपनी राय से हमें मुत्तले कीजिएगा। ये वाहिद, फिर उसके मैनी, फिर उसके जमा। तो ये देखें अजीज बच्चों, ये नंबर एक है फकीह। फे काफ हे ये फकीही, ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। ये इल्म फिका के बहुत बड़े आलम को फकीह कहा जाता है। इल्म फिका, ये नमाज रोज़े के मसाइल को फिका कहते हैं और इसके बहुत बड़े आलम को फकीह कहते हैं, और इसकी जमा है मसाइल का इल्म जानने वाले को फकीह कहते हैं। मसाइल का इल्म, दीनी मसाइल के इल्म को जानने वाला फकीह कहलाता है, और इसकी जमा है फुकहा। फकीह वाहिद है, इसकी जमा है फुकहा। फ़लसफ़ी, जो किसी हकायक के इल्म को जानता हो, किसी चीज़ की हकीकत माहियत को जानने वाला हो, उसको फ़लसफ़ी कहते हैं। हकीकत व माहियत का इल्म रखने वाला। फ़लसफ़ी, इसकी जमा है फ़लासफ़र। फ़लसफ़ी, फ़लासफ़र। फिस्क, ग़लती को, गुनाह को फिस्क कहते हैं। और इसकी जमा है फसूक। फिस्क, इसकी जमा है फसाक, और इसकी जमा फसूक भी आती है। फिस्क गुनाह और गलती, इसकी जमा है फसाक। फाजिर, गलती करने वाला, गुनाह करने वाले को फाजिर कहते हैं। गुनाहगार, फाजिर, इसकी जमा है फजूर। गुनाहगार, फाजिर, इसकी जमा फजूर। फितना, फितना फसाद को कहते हैं।
इसकी जमा है फतन, फितना की जमा फतन। फैज, फायदा पहुंचाना, निगाह करम, दोनों माने आते हैं। फायदा पहुंचाना, फैज पहुंचाना, और निगाह करम को भी फैज कहते हैं। इसकी जमा है फयूज, फैज वाहिद, इसकी जमा फयूज। फिरौन, ये मिस्री बादशाहों का ये लकब होता था। जो भी बादशाह मिस्र का हुक्मरान बनता था कबल अज़ इस्लाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में, वो फिरौन का लकब अख्तियार करता था। और ज़ालिम जाबिर को भी फिरौन कहा जाता है। ज़ालिम जाबिर बादशाह को भी फिरौन का लकब दिया गया। फिरौन एक लकब है, मुख्तलिफ जो बादशाह होते थे मिस्र के, वो अपने लिए ये अलकाब इस्तेमाल किया करते थे। फिरौन वाहिद है, इसकी जमा है फराइना, ये इम्तिहान में एक मरतबा गुजरा हुआ है। फिरौन, इसकी जमा फराइना। फतवा, फैसले को कहते हैं। शरी अहकाम का फैसला फतवा कहलाता है, शरीयत के अहकाम का फैसला फतवा कहलाता है। और इसकी जमा है फतावा, फतवा वाहिद, इसकी जमा फतावा। फलक, आसमान को कहते हैं, फारसी जुबान का लफ्ज है फलक, आसमान। फलक आसमान, इसकी जमा है अफलाक। फलक वाहिद, इसकी जमा अफलाक। फर्ज, ज़रूरी चीज़, ज़रूरी अमर को फ़र्ज़ कहते हैं, अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। इसकी जमा है फ़राइज़, फ़र्ज़ की जमा फ़राइज़। फ़र्ज़ वाहिद है, इसकी जमा है फ़राइज़। फसल, फसल, फसल दोनों मानी हैं। ये मौसम को भी कहते हैं और हिस्से को भी कहते हैं। इसकी जमा है फसूल, फसल, इसकी जमा फसूल। फसीह, फसीह, ये अच्छी गुफ्तगू करने वाले को फसीह कहते हैं।
अच्छी गुफ्तगु करने वाला फसीह, इसकी जमा है फुसहा, इसकी जमा फुसहा, फसीह की जमा फुसहा। फसाद झगड़े को कहते हैं फसाद, इसकी जमा है फसादात, फसाद वाहिद, फसादात इसकी जमा। फहम सोच समझ को फहम कहते हैं, इसकी जमा है इफहाम, फहम वाहिद इसकी जमा इफहाम। फुजला बची खुची चीज को फुजला कहते हैं, बेकार चीज को भी फुजला कहते हैं, बेकार चीज इसकी जमा है फजला, फुजलात, फुजला वाहिद इसकी जमा फुजलात। काजी काफ से शुरू होने वाला पहला लफ्ज काजी, ये जज आदिल को काजी कहा जाता है अरबी जबान में। इसकी जमा है कुज़ात, काजी की जमा कुज़ात। यह कासर अरबी जबान का लफ्ज है कासर, इसका माना होता है महल, कासर वाहिद इसकी जमा है कसूर। करिया बस्ती को कहते हैं करिया, और इसकी जमा है कुरआ, करिया वाहिद और इसकी जमा कुरआ। कल्ब इसका माना होता है दिल, कल्ब दिल को कहते हैं अरबी जबान में, इसकी जमा है कुलूब। कुतुब बुजुर्ग वली को कुतुब कहा जाता है, ये एक दर्जा होता है विलायत का, औलिया अल्लाह का एक दर्जा होता है, जहां वो एक दर्जे पर पहुंचते हैं तो उसको कुतुब कहते हैं। इसकी जमा है अकताब, कुतुब की जमा अकताब।
कुतुब वाहिद इसकी जमा अकताब, ये 21 नंबर के ऊपर जो है ना वाहिद जमा हम लिख रहे हैं, ये है कदीम। पुराने को कहते हैं कदीम, पुरानी चीज, और पहले वाले लोग इसकी जमा है कोदमा। कदीम की जमा कोदमा। यह है करीब, नज़दीक को करीब कहते हैं, जो चीज़ नज़दीक हो करीब। इसकी जमा है अकरब। करीब की जमा अकरब। कता, इसके दो मायने होते हैं, हम दोनों ही लिख रहे हैं। इस कता का माना होता है टुकड़ा, कता अराजी, जमीन का टुकड़ा। तो इस कता के मायने होते हैं कतआत। और ये कता ऐसी नज़्म जिसके चार मिसरे हुआ करते हैं उसको भी कता कहते हैं। चार मिसरों वाली नज़्म इसकी जमा है अकता। दोनों की जमा मुख्तलिफ आती है, एक कता की मानी है टुकड़ा, जमीन का टुकड़ा, उसकी जमा कतआत। और एक कता जो है ना, ये चार मिसरों वाली नज़्म को कहते हैं। इसके अंदर दो मिसरों के अंदर रदीफ काफिया बराबर होती है और ये चार मिसरों पर मुश्तमिल होती है। इस नज़्म को भी कता कहते हैं, इसकी जमा अकता। करीना, सलीके को कहते हैं। करीना किसी चीज का तरीका, सलीका, इसकी जमा है कराइन। करीना वाहिद, इसकी जमा कराइन। किस्सा, कहानी को किस्सा कहते हैं और इसकी जमा है कसास। किस्सा वाहिद, इसकी जमा कसास। कस्बा जो है ना गांव को कहते हैं, बस्ती को कहते हैं कस्बा। इसकी जमा है कस्बात। काफिया, ये किसी शेर के आखिर में हम वजन, हम आवाज, अल्फाज को काफिया कहा जाता है। शेर के आखिर में आने वाले हम वजन, हम आवाज, अल्फाज को काफिया कहा जाता है। हम वजन, हम आवाज, अल्फाज, उसको काफिया कहा जाता है। ये इम्तिहान में गुजरा हुआ है, इसकी जमा है कवाफी। काफिया वाहिद, इसकी जमा कवाफी। किंदील, चराग को कहते हैं किंदील, चराग, इसकी जमा है कनादील।
कंदील के मानी चिराग और इसकी जमा है कनादील। कायदा इसका माना तरीका होता है। कायदा वाहिद है, इसकी जमा है कवाइद। कायदा वाहिद, इसकी जमा कवाइद। तो अजीज बच्चों, ये 30 वो अहम तरीन अल्फाज वाहिद जमा जो इनमें से अक्सर इम्तहान के अंदर गुजरे हुए हैं। हमें उम्मीद है कि आप लोग पूरी तवज्जो के साथ इनके अल्फाज मैनी को याद करेंगे, इनके वाहिद जमा की तरफ तवज्जो देंगे। और हमारी अपील यह है वालिदैन से कि वो अपने बच्चों को लेक्चर अटेंड करने की तरगीब दें, यह उनके लिए बहुत बड़ा मुफीद लेक्चर है। हमारा मकसद सिर्फ पास होना नहीं है, हमने कभी पास फेल को तो सामने रखा भी नहीं है, हमारा मकसद पोजीशन हासिल करना है। ये पोजीशन हासिल करने वाले बच्चों के लिए इस कदर मेहनत की जा रही है और एक एक नंबर पोजीशन के साथ बनता है, एक नंबर पर पोजीशन खत्म होती है, इसीलिए एक एक नंबर के लिए भी इतनी जद्दोजहद की जा रही है। हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको अजीम कामयाबी की दौलत से नवाजे। वस्सलाम।